दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा कोई आज का नहीं है। चुनावों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भले थोड़ी ज़्यादा हो जाती हो, लेकिन सच यही है कि चुनाव आते जाते रहे और यह मुद्दा अपनी जगह कायम रहा। ऐसे में अगर इस बार भी यह मुद्दा चर्चा बटोर रहा है तो यह अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं, अचरज की बात थोड़ी बहुत है। तो यह कि इस बार कच्ची कॉलोनियों को वैध करने की मांग पूरी कर दी गई है और इस पर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है तो इस बात पर कि इस काम का श्रेय किसे जाता है, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तो है ही, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह लगातार विस्तार पा रही संस्कृति, लोक भाषा और भूभाग का नाम है। पैरा हर साल बड़ी संख्या में देश भर के राज्यों से युवा पढ़ाई और नौकरी का सपना लेकर यहाँ आते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि इनमें से बहुतों को दिल्ली रास भी आ जाती है। सरकारी या निजी क्षेत्रों में काम कर रहे ऊपरी तबकों के लोग दिल्ली के पॉश इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अन्य तबकों के लोग अपने इनकम ग्रुप के हिसाब से या तो दिल्ली NCR में फ्लैट बुक करवाते हैं या इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद कर अपने घर का सपना पूरा करते हैं। यह जानते हुए भी कि यहाँ वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जो व्यवस्थित और वैध कॉलोनियों में मिलती है। ध्यान देने वाली एक खास बात यह है कि मूलतः एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण इन प्लॉटों पर पावर ऑफ अटॉर्नी तो होती है, रजिस्ट्री नहीं हो पाती। पैरा बैंकों से मिलने वाले होम लोन के लिए रजिस्ट्री एक जरूरी दस्तावेज है। ऐसे में यहाँ बैंक उपयोगी साबित नहीं होते हैं, लिहाजा इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीद कर मकान बनवाने या बनी बनाई बिल्डिंगों में फ्लैट खरीदने के लिए मित्रों रिश्तेदारों से सहायता लेना या बाजार में मौजूद देनदारों से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना मजबूरी हो जाती है। दिल्ली में सिर्फ शहरी आबादी ही नहीं है, गांव भी शामिल है। अवैध कॉलोनियों में वे इलाके भी शामिल हैं जो गांव से लगते हुआ करते थे। मास्टर प्लान के तहत गांवों को तो सुख सुविधा दी
गई। गांवों के विस्तार में बसे ऐसे ज़्यादातर इलाके अवैध कॉलोनियों में शामिल हो गए। इन इलाकों में रहने वाले लोग कई सामान्य मानी जाने वाली सुविधाओं से भी वंचित है। पैरा, स्वाभाविक है कि कच्ची कॉलोनियां यानी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग दशकों से उठती रही है। कांग्रेस की दिवंगत नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इन्हीं कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। तब इनकी संख्या 1439 थी, अब यह बढ़कर 1800 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के लगभग हर जिले में ऐसी कॉलोनियां मौजूद है। इन्हीं में से 1797 को नियमित किए जाने की बात अब की जा रही है। जिन कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है उनकी आबादी लगभग 50 लाख बताई जाती है। इन्हीं 50 लाख लोगों पर इस समय सियासी दलों की नज़र है। इनमें से अधिकांश में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से आए लोग रहते हैं। मनोज तिवारी को बीजेपी का अघोषित सीएम फेस जैसी हैसियत मिलने में एक बड़ा हाथ इन 50 लाख लोगों का भी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हीं कॉलोनियों में पानी, बिजली, सीवर आदि की व्यवस्था की बात लगातार कर रहे हैं। केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी शीतकालीन सत्र में इन कॉलोनियों को पक्का करने के फैसले को मंजूरी देकर इसी आबादी को प्रभावित करने की कोशिश की है। अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि इन कॉलोनियों से जुड़े लोग इस फैसले का श्रेय आखिरकार किसको देंगे, लेकिन वोट चाहे विकास के नाम पर पड़े या वैधीकरण के दस्तावेज के नाम पर या फिर पूर्वांचल का चेहरा दिखाकर, इतना तय है कि दिल्ली की इन कॉलोनियों की भूमिका इस बार दिल्ली के किंग मेकर जैसी होने जा रही है। स्टॉप। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कोष्टक में CPI कोष्टक बंद में आए उछाल ने पहले से ही कमजोरी झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोष्टक में एनएसओ कोष्टक बंद द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई के जरिए जाहिर समग्र खुदरा महंगाई की दर दिसंबर में बढ़कर 7.35% पर पहुंच गई, जो बीते 6 वर्षों में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा है। खुदरा महंगाई के हिस्से के रूप में सबसे ज़्यादा महंगाई खान पान की चीज़ों में दर्ज की गई है, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12% हो गई है। नवंबर में यह 10.01% दर्ज की गई थी। पैरा खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर सकती है। रिजर्व बैंक के हाथ बांधने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच मुख्य ब्याज दर में कटौती करके वास्तविक ब्याज दरों को ऋणात्मक दायरे में ले जाने का जोखिम कोई केंद्रीय बैंक नहीं उठाना चाहता। बहरहाल मौजूदा हालात को लेकर अर्थ विशेषज्ञों की राय दो तरह की है। एक वर्ग का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है। जनवरी में मुद्रास्फीति तेजी से नीचे आ सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि करीब से देखने पर लगता है कि मुद्रास्फीति में उछाल अस्थायी प्रकृति का या किसी विशेष कारक की वजह से है। पैरा लेकिन कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल स्टैगफ्लेशन चरण में जा रही है। यह शब्द स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना है। जब विकास दर धीमी पड़ने लगती है, मांग में कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है और इसके समानांतर महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है, तो इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मौजूदा संकट को लेकर इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके हालात पिछले कुछ वर्षों से बन रहे हैं। लोगों के खर्च में कमी आई है क्योंकि कई सेक्टरों में छंटनी हुई है और कुछ कारोबारी संस्थानों ने अपना निवेश घटा दिया है। मांग में गिरावट से कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन तेल, दूध और सब्जियों की महंगाई इस तर्क को खारिज कर रही है। समाप्त।